वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मी देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी आने वाली है और अथेंटिक आहार की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए संदेश मोदक की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोई भी टिप मिस न करें। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और झटपट बनके तैयार हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे मैं इलायची के साथ ग्राइंड कर दूंगी स्मूथ पेस्ट में। याद रखें, मैंने इलायची का छिलका नहीं लिया है। दूसरी तरफ मैंने पैन को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने रखा था, उसमें मैंने हाफ कप दूध डाल दिया है और उसमें से कुछ बचा लिया है ग्राइंड करने के लिए। आपको लगातार दूध को चलाते रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैंने पनीर को ग्राइंड कर दिया है, एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। देखिए कितना चिकना हो गया है। आपको भी ऐसे ही इसको ग्राइंड करके रखना है। अब मैं इस पनीर के पेस्ट को दूध में डाल दूंगी और उसे अच्छी तरह से दूध में मिला लूंगी। देखिए इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको दूध में मिला लेना पड़ेगा। मिलाने के बाद आप एक से दो मिनट तक इसे चलाते रहें। गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखें। दो मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, फिर भी हम इसे और एक से दो मिनट चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज पे अब मैं यहाँ पर 4 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। देखिए इस तरह से आपको कंडेंस मिल्क डाल लेना है। यहाँ पे मैंने सारे मेजरमेंट प्रॉपरली लिए हैं ताकि आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बने। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिलाते रहेंगे। आपको लगातार इसको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। गैस का फ्लेम मीडियम से लो है। आप देख सकते हैं कि ये अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और ये पैन को नीचे से छोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि देखिए, ऐसे हटाएंगे तो आपको दिखेगी कि हट रही है। इसी स्टेज पे आप 1 टेबलस्पून यहाँ पे घी डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और चला लेंगे। याद रखें गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखें और लगातार चलाते रहें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बन चुकी है? जब ऐसे आप पलट लेंगे तो ये और नहीं बहेगी, एक जगह पर ठहर जाएगी। इसका मतलब है कि ये अब रेडी हो चुकी है। इसे अब मैं और नहीं पकाऊंगी और गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच मैं पिस्ता को काट लूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में और इस मिक्सचर को हम एक थाली में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो सके। याद रखें इसे पूरा ठंडा ना करें। जब ये आप छूने लायक हो जाए उसी हालत में आपको इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से मसल लेना है, कुछ इस तरह से। 1 से 2 मिनट बाद मसलने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे मोदक का शेप देंगे। मोदक का शेप देने के लिए हाथ में थोड़ा घी मल लें और जितना बड़ा आपको मोदक चाहिए उतना मिक्सचर अपने हाथ में लेके उसे पहले घुमा के देख लें कि अगर इसमें कोई क्रैक नहीं आते। देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं आ रहे हैं, मतलब ये रेडी है। अब आपको हथेली और उंगलियों की मदद से घुमा घुमा के इसे मोदक का शेप देना है। आपको इसे एक पुतली का शेप दे देना है। ऊपर से थोड़ा सा दबा देना है और नीचे से गोल कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब एक टूथपिक की मदद से आप इसे दबा के ऐसे उसको शेप दे सकते हैं। देखिए मैंने एक मोदक बना के तैयार कर लिया है। बिना सांचे के भी आप बना सकते हैं मोदक इस तरह से, इसलिए मैं आपको आज ऐसे बनाना सिखा रही हूँ। देखिए मेरे 5 मोदक बन के तैयार हैं और ये छठा वाला भी तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं पिस्ता जो मैंने थोड़ा सा काट लिया था उसको इसके ऊपर लगा रही हूँ। देखिए ये सारे बन के तैयार हो चुके हैं और हमारा जो मिक्सचर बचा है उससे
हम चाहें तो सैफ्रन भी लगाकर ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो केसर का भी मोदक बना सकते हैं। जब आप मिक्सचर को मल रहे हों तब आप दूध में थोड़ा सा केसर डाल के उसको उसमें डाल के भी मसल लेंगे तो आपका केसर का मोदक भी तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं बस इसे ऐसे ही डेकोरेट करूंगी केसर लगा के। और इसी तरह से आपको ऐसे हथेलियों के बीच में रख के इसको शेप देना है और टूथपिक की मदद से इस तरह से आपको उसको पोटली का आकार दे देना है। देखिए कुछ इस तरह से। और सैफ्रन लेके या फिर केसर लेके उसके ऊपर लगा देंगे। इसका स्वाद पूरे बाजार के जैसे संदेश की तरह आता है। ये संदेश के मोदक हैं और इसमें कुछ फिलिंग नहीं जाती है, फटाक से बन जाते हैं और स्वाद में भी दुकान जैसे हैं। देखिए आप चाहें तो दूध में भी डाल के सैफ्रन इसके ऊपर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे सैफ्रन या फिर केसर के मोदक बना के तैयार कर लेंगे। मेरे सारे मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर इन मोदक को बनाएं और गणेश जी को भोग लगाएं। ये बहुत स्वाद बनते हैं। आप ज़रूर इन्हें ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी। एक मोदक मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।